आरती जिस घर में रहती थी उसके मकान मालिक उसे अपनी खुद की बेटी जैसा प्यार करते थे। आरती ने उनकी काफी देखभाल की थी। उसके मकान मालिक और मालकिन एक दिन बाहर निकले और कभी वापस नहीं आए। उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो अपना घर आरती के हवाले छोड़ गए थे और आरती उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। पर एक दिन मकान मालिक के बेटे और बहू आए। आरती, तुम्हें मम्मी पापा ने घर की जितनी चाबियां दे रखी हैं, वो सब वापस कर दो मुझे। भैया, अंकल आंटी ने मुझे सिर्फ दरवाजे की ही चाबियां दी थी और कोई चाबी नहीं है मेरे पास। देखो आरती, अब मैं आ गया हूँ तो तुम मुझे सारी चाबियां दे सकती हो और ये घर भी छोड़ दो। भैया, मेरे पास एक ही चाबी है और वो मैं आपको दे दूंगी। रही बात घर छोड़ने की, तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कहाँ रहूँगी भैया? तुम कहीं भी रहो, हमें क्या? अपना कमरा जल्द से जल्द खाली कर दो। भाभी, ऐसे मत कहिए। मेरा इस शहर में अंकल आंटी के सिवाय और कोई नहीं था। मुझे थोड़ा समय तो दीजिए। ठीक है, इस महीने के अंत तक निकल जाना घर से। और हाँ, फिर से कह रहा हूँ, कोई चाबी है तुम्हारे पास तो चुपचाप मुझे दे देना। भैया, किस चाबी की बात कर रहे हैं? कहीं बेसमेंट की चाबी तो नहीं चाहिए उन्हें? पर बेसमेंट का तो दरवाजा खुला रहता है हमेशा। यहाँ आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए भैया भाभी मुझसे बार बार चाबी मांग रहे हैं? अरे, ये कमरे के अंदर नल क्यों खुला रह गया है? अंकल आंटी भी क्या क्या अजीबोगरीब चीजें करते थे, इतना गंदा हो रखा है ये नल भी। आरती डर जाती है और तुरंत नल बंद कर देती है। उसे लगता है कि ये शायद नकली सोना होगा। जरूर ये अंकल आंटी की कोई शरारत रही होगी। देखने में, छूने में और वजन से तो ये असली सोना ही लग रहा था। आरती ऊपर जाकर भाभी को बुलाने ही वाली होती है कि भाभी ऊपर से उसका नाम पुकारती हैं। आरती, अरे आरती, किधर मर गई? हाँ भाभी, आई। अरे मैं आपके पास ही आ रही थी, मुझे कुछ बताना है आपको। मेरे पास तेरे से गप्पे लड़ाने का समय नहीं है, जरा बाजार से सब्जी लेके आ। भाभी सुन तो लो मेरी बात। तुमको यहाँ काम करने बुलाया है मैंने, बातें करने नहीं। अरे नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बाजार से आके बात करती हूँ आपसे। आरती ने अपने हाथ में 4 सोने के सिक्के ले लिए थे। बाजार जाते वक्त उसने पास वाले सुनार से सिक्के चेक करवाए। सुनार ने उसे बताया कि ये सोने के सिक्के तो बिल्कुल असली और उम्दा क्वालिटी के हैं। सुनार उसे शक की नजरों से देखते हुए पूछता है कि ऐसे सिक्के मिले कहाँ से? आरती ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। दूसरे दिन भाभी ने आरती को सुबह से पूरे घर की सफाई में लगा दिया। जब भी आरती उनके पास बात करने जाती, वो कोई नया काम थमा देती। और अगर आरती फिर भी बात करने की कोशिश करती, तो भाभी उस पर चिल्ला के उसे कामचोर कहती। आरती ने भी भाभी से तंग आकर सोचा कि वो अब सीधे भैया से ही बात करेगी। आरती ने सोचा कि एक बार नल को फिर से चेक कर लेगी कि कहीं वो एक ही दिन का चमत्कार तो नहीं था। आरती,
इधर आना। जी अंकल। अरे बेटा, तुम 2 साल से दिनेश जी के यहाँ रह रही हो, पर उस दिन से पहले तुम कभी सोने के सिक्के लेके नहीं आई। अंकल वो कैसे बताऊँ, शायद आप विश्वास नहीं करोगे। सोने के नल के बारे में। अंकल आपको कैसे पता चला, क्या भैया भाभी ने कुछ कहा? नहीं बेटा, उस रोहन और उसकी नकचड़ी पत्नी से तो मैंने तभी बात करना बंद कर दिया था जब उसे घर से धक्के मार के निकाला गया था। अरे आप ये क्या कह रहे हो अंकल? हाँ बेटा, दिनेश जी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्हें एक दिन भगवान के वरदान के रूप में वो सोने का नल मिला। उन्होंने कभी उन सोने के सिक्कों का दुरुपयोग नहीं किया। वो महीने में बस 3-4 सिक्के निकालते थे और उसे बेच के आसपास के अनाथ आश्रम में दान दे देते थे। पर ये रोहन, ये अपने माँ बाप जैसा बिल्कुल नहीं था। पर उनको घर से क्यों निकाल दिया? रोहन और उसकी बीवी को सोने के नल के लालच ने अंधा कर दिया था। वो भी इस हद तक कि रोहन ने अपने खुद के माँ के ऊपर हाथ उठा दिया। दिनेश जी ने उसी वक्त दोनों को घर से निकाल दिया। हे भगवान, ये सब तो मुझे मालूम ही नहीं था, इसीलिए वो मुझे उस घर से निकालने के पीछे पड़े हुए हैं। बेटा तुम किसी तरह से उस नल को छुपा दो, वरना वो रोहन और उसकी पत्नी सारा सोना खा जाएंगे और दिनेश जी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाएगी। पर अंकल मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो उस घर से निकाला जा रहा है। बेटा उस नल को या तो तुम तोड़ दो या इन दोनों को उस घर से निकलवा दो। आरती घर पहुंचती है और वहां उसका इंतजार भैया भाभी के साथ साथ पुलिस भी कर रही होती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की जिसने मेरे पिता के कीमती सोने के सिक्के चुराए हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है इंस्पेक्टर। अच्छा झूठी, ये सच नहीं है तो तू ये सोने के सिक्कों की पोटली लेके कहाँ भागने वाली थी? देखिए सर, इसने सारे कपड़े भी पैक करके रखे हैं भागने के लिए। नहीं सर, ये बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि मुझे ये लोग घर से निकाल रहे थे। इंस्पेक्टर ने आरती को पकड़ लिया और जेल ले जाने लगा। तभी सुनार और आसपास के लोग आरती की मदद करने आए और सबने रोहन और मीता की सच्चाई इंस्पेक्टर को बताई और इंस्पेक्टर को मजबूर कर दिया रोहन और मीता को पकड़ के जेल ले जाने के लिए। रोहन और मीता को जेल हो गई और आरती ने दिनेश शर्मा के नाम से उस घर में एक अनाथ आश्रम खोल लिया और उन सिक्कों से गरीबों की मदद करने लगी। हर साल मई जून के महीने में उबलापुर गांव में भयानक गर्मी पड़ा करती थी। बारिश ना होने के कारण तालाबों का पानी सूख जाता, साथ ही जमीन का जल स्तर भी नीचे चला जाता। इसीलिए हैंड पंप से पानी निकालने में परेशानी होती थी। अम्मा, नल का पानी फिर चला गया। बाल्टी में पानी होगा, उससे नहा ले। बाल्टी भी खाली है। अभी 1 घंटे पहले जब हैंड पंप में पानी आ रहा था तो मैंने बाल्टी भर कर रखी थी। सैफाली महारानी जी उसी से नहा ली होंगी, हमारा लड़का ऐसे ही बिना नहाए मलिच रह गया। मैंने भी तो कल पानी भर कर रखा था तो तुम्हारा लड़का उससे नहा लिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा, हमारी लड़की नहा ली तो तुम्हें बहुत बड़ी आफत आ गई। अपनी महारानी लड़की से कहो खुद हैंड पंप से पानी निकाल कर रखा करे, वरना लगाऊंगी किसी दिन 2-4 झापड़। मार कर दिखाना मुझे, मेरे हाथ तो जैसे हैं ही नहीं। सैफाली अपनी माँ के साथ रहती थी, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सैफाली की उसकी चाची से अक्सर पानी के पीछे लड़ाई हुआ करती थी। सैफाली के पिता की मृत्यु के बाद चाचा चाची सैफाली और उसकी माँ को घर से निकाल देना चाहते थे। शाम को जब सैफाली के चाचा धनु सिंह घर लौटते हैं तो सोमवती अपने पति के
खूब कान भरती है। आज तो आपकी भतीजी सैफाली मुझे मारने को लिपटी जा रही थी, जरा मैंने कह दिया कि हैंडपंप से पानी खुद निकाल कर रखा कर, ऐसे मारने को लिपटी वो मुझे। वो तो ये कहो कि बबलू घर पर था, उसने बचा लिया मुझे। भाभी ने कुछ नहीं कहा? तुम्हारी भाभी तो पूरा मजा ले रही थी, वो तो अपनी लड़की के हाथों मुझे पिटवाना ही चाहती है। इस तरह झूठ बोलकर सोमवती धनु सिंह को चढ़ा देती है। धनु सिंह गुस्से में तुरंत अपनी भाभी के कमरे में जाता है और उनका सामान बाहर निकाल कर फेंकने लगता है। चाचा ये क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, भैया मर चुके हैं, अब तुम लोगों को यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। सैफाली और उसकी माँ सरपंच के पास धनु सिंह की शिकायत करने जाते हैं। पंचायत बैठती है लेकिन सैफाली की चाची सरपंच को रिश्वत देकर फैसला अपने पक्ष में करवा लेती है। धनु सिंह, सोमवती और बबलू तीनों धक्के मारकर सैफाली और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा नानी के घर चलते हैं, इस गांव में धनु सिंह की वजह से हमें कोई आसरा नहीं देगा। भरी दोपहरी में सैफाली की माँ चलते चलते धूप और गर्मी के कारण बेहोश हो जाती है। उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया? सैफाली इधर उधर पानी खोजने लगती है लेकिन उस वीराने में उसे कुछ नहीं मिलता। वो दौड़ती हुई झाड़ियों के पास पानी की तलाश में जाती है। वहाँ उसे एक हैंडपंप दिखाई देता है। हैंडपंप खराब था, उसमें हैंडल नहीं था। सैफाली तुरंत एक मजबूत लकड़ी ढूंढकर हैंडल बनाती है और हैंडपंप में फिट करती है। एक घंटे लगातार प्रयास करने के बाद नल से कुछ निकलना शुरू होता है लेकिन वो पानी नहीं, तरल सोना था जो बाहर निकलते ही जम जाता। ये तो सोना है। सैफाली थोड़ा सा सोना लेकर ही अपनी माँ के पास दौड़ती है। माँ अभी भी बेहोश थी। एक नौजवान घुड़सवार रास्ते से गुजर रहा था। सैफाली उसके पास जाकर बोली, मेरी माँ को अस्पताल तक पहुँचा दो और बदले में ये सोना ले लो। घुड़सवार सैफाली और उसकी माँ को अस्पताल तक छोड़ देता है। फिर मिलेंगे। अस्पताल में माँ का कुछ दिन इलाज चलता है और वो ठीक हो जाती है। माँ नानी घर जाकर बोझ बनने की जरूरत नहीं है, सोना देने वाले हैंडपंप के पास ही हम झोपड़ी डाल लेंगे और वहीं रहेंगे। सैफाली और उसकी माँ हैंडपंप से जरूरत के मुताबिक सोना निकाल कर बेच देते हैं और झोपड़ी बनाकर जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। घुड़सवार जब भी रास्ते से गुजरता तो सैफाली से मिल कर जाता। एक दिन बबलू ने बाजार में सैफाली को बहुत अच्छे कपड़े पहने घुड़सवार के साथ घूमते देख लिया। बबलू सारी बात जाकर अपने अम्मा बापू को बताता है। जब वे लोग गांव के बाहर झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? धनु सिंह एक दिन चुपके से सैफाली का पीछा करता हुआ उसकी झोपड़ी तक पहुंचता है। वो सैफाली को हैंडपंप से सोना निकालते देख लेता है। धनु सिंह घर आकर एक बैलगाड़ी तैयार करता है। ये बैलगाड़ी से आप कहाँ जा रहे हैं? सैफाली की झोपड़ी के पास एक हैंडपंप है जो सोना देता है। आज रात हम उस हैंडपंप के नीचे का सारा सोना चुरा कर बैलगाड़ी से ले आएंगे। रात में धनु सिंह, सोमवती और बबलू सैफाली की झोपड़ी पर जाते हैं। सबसे पहले वे सैफाली और सैफाली की माँ के मुँह पर नशीली दवा रुमाल में रख कर उन्हें सुंघाते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर चार पाँच घंटे तक हैंडपंप से सोना निकालते रहते हैं। बैलगाड़ी पूरी भर जाती है। वे अपने थैले और कपड़ों में भी सोना ठूंस लेते हैं लेकिन हैंडपंप से सोना निकलना बंद नहीं होता। लगता है नीचे कोई बहुत बड़ी सोने की खान है। आप बस कीजिए, इतना सोना बहुत है, इसे ही ले जाने में बहुत परेशानी होगी। धनु सिंह का परिवार बैलगाड़ी पर सोने का ढेर रख कर अपने गांव की ओर चल देता है। रास्ते में डाकुओं की टोली गुजर रही थी। डाकुओं की नज़र उन पर पड़ जाती है। डाकू धनु सिंह के पूरे परिवार को मारकर सारा सोना ले जाते हैं। उधर सैफाली घुड़सवार से विवाह करके
खुशहाल जीवन बिताने लगती है। किसी ने ठीक ही कहा है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है।